हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप अपना पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगा के। ठीक है, अच्छे से हार्ड वर्क, कम पढ़ो क्वालिटी के साथ पढ़ो। ठीक है, क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। रिंग की वजह से मैं फील्ड आपको आज पढ़ाऊंगा और CBSE बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार ये पूछा जाता है CBSE बोर्ड के बोर्ड में, बट इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन। तो इसको पूरा मैं पढ़ा दे रहा हूँ और ये पूरा आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है रिंग की। तो रिंग क्या होता है, रिंग देखे हो ना, नहीं देखे हो। ठीक है, तो रिंग जो होती है कुछ इस टाइप का शेप का होगा। बहुत थीन रिंग ले रहा हूँ, थिकनेस नेग्लिजिबल है। सर्कुलर स्पेस अब पे प्लस प्लस चार्ज इस टाइप से मैं दे दिया हूँ। ठीक है, अब ये जो है वो रिंग की एक्सिस है, ये रिंग की एक्सिस है। तो जो हमारी स्टोरी है, जो हमारा सिलेबस है नीट IIT का बोर्ड का, वो हमें एक्सिस पर ही फील्ड निकालनी है। इस वाले एक्सिस पे ही फील्ड निकालनी है। फील्ड तो यहाँ भी होगा भाई, फील्ड यहाँ भी होगा, फील्ड यहाँ भी होगा, फील्ड यहाँ भी होगा, चार्ज है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमारा जो सिलेबस है वो एक्सिस पर फील्ड है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम पूरे रिंग के सेंटर के देखते हैं। अगर कोई रिंग है, इमेजिन कीजिए रिंग है, सामने से देख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये रिंग है सामने से उसको देखते हो, रिंग के अगर सब जगह एक प्लस चार्ज है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस रिंग। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो पॉइंट पे अगर मैं कोई क्यू नॉट रखता हूँ, पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, तो इस क्यू नॉट को आपको पता है हर एक एलिमेंट इक्वली अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है, जो चार्ज प्लस वाला है, वो उसको सॉरी प्लस रखे हो ना, उसको रिपल करेगा, तो इधर जो है वो भी उसको ऐसे रिपल करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये जो एलिमेंट है वो उसको इधर रिपल करेगा, और ये जो एलिमेंट है प्लस वाला वो यहाँ पे कोई चार्ज रखो इसको रिपल करे, तो ये दोनों एक दूसरे से नेट फील्ड क्या बना लेंगे, जीरो। मतलब इस तरह से हर एक एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। मतलब रिंग के सेंटर पे जो फील्ड होती है वो जीरो होती है। आया बात समझ में। रिंग के सेंटर पे कोई फील्ड नहीं होती है इफ रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, रिंग के सेंटर पे रिंग थीन है, तो रिंग के सेंटर पे कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई चार्ज रखूंगा माइनस या प्लस, तो उसको हर एक एलिमेंट अपोजिट वाला जितना अट्रैक्ट करेगा रिपल करेगा, उसके सामने एक ऐसे ही सिमेट्रिकल है वो भी उतना अट्रैक्शन या रिपल्सन लगाएगा, कुल मिला के जीरो हो जाएगा। तो ये हमने समझ गए कि पूरे रिंग की वजह से तो रिंग के सेंटर पे नहीं होती है, यहाँ पे फील्ड जीरो हो गई। यहाँ पे जो फील्ड है वो एक्चुअली जीरो हो गई इस पॉइंट पे। अब आ जाइए थोड़ा सा बाहर, यहाँ पर देखते हैं रिंग से एक्स डिस्टेंस आगे चले आओ। रिंग से एक्स क्या अभी भी जीरो होगा? नहीं, अब जीरो नहीं होगा, तो वो हम डिराइव करते हैं। ठीक है ना, तो वो हम डेरिवेशन निकालते हैं। चलिए यहाँ देखिए एक रिंग है एट द सेंटर फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ द रिंग। केस टू है इसमें कि रिंग से एक्स एक्सिस आप यहाँ चले जाओ, दिस इज द पॉइंट पी। यहाँ पर पी नाम का कोई पॉइंट है और एक रिंग है, और यहाँ से मैं चला आया हूँ एक्स डिस्टेंस पे चला आया हूँ। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस एक्स। हो रहा क्लियर? हमें जो चाहिए यहीं पे फील्ड चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब इस पे जो टोटल चार्ज है उस पे मैं क्यू दे दिया हूँ। ठीक है, रिंग का रेडियस आर है, आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग, और ये यहाँ से डिस्टेंस है। ठीक है, और इस पे जो टोटल चार्ज है, जो बिखरा हुआ जो डिस्ट्रीब्यूट है, दैट इज द क्यू, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग, आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। तो हमारा क्या लॉजिक चलेगा, जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था तो मैं आपको ये बात बताया था कि जब भी हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे दो टाइप के ऑब्जेक्ट आएंगे। एक है डिस्क्रीट वाला, पॉइंट वाला कैसे निकालते हैं, पॉइंट फार्मूला लगा के। ये किस कैटेगरी का है? ये है कंटिन्यूअस वाला। कंटिन्यूअस वाला कैसे निकालेंगे? कैलकुलस से। छोटे से एलिमेंट का फील्ड निकालेंगे, बाकी इंटीग्रेट कर देंगे। तो छोटे से एलिमेंट, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो यहाँ पर कितना फील्ड बना रहा है वो मैं देखूंगा। मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया DQ।
छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी क्यू। अब वो जो डी क्यू है वो यहाँ पे कितना फील्ड बना रहा है, किधर बनाएगा, प्लस लिए हो ना, तो प्लस लिए हो तो इधर बनाएगा, ठीक है। उसी तरह से सिमेट्रिकली यहाँ पे जस्ट इसके अपोजिट एक और होगा, वो भी इधर फील्ड बनाया होगा, जिसको मैं स्मॉल फील्ड डी ई बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो डी ई, इस तरह से ऐसे समझो, ऐसे विजुअलाइज करो कि ये जो फील्ड है ये इस तरह से रिंग रखा हुआ है, इस तरह से हॉरिजेंटल प्लेन में रिंग है, तो रिंग के एक्सिस से ऊपर चले जाए तो रिंग के जो सेंटर पे सारे जो वो धीरे धीरे यहाँ पे जो जो साइड में है वो इधर फील्ड बनाएगा, वो और ये जो साइड में वो इधर फील्ड बनाएगा। कुल मिला के जब इनके कॉम्पोनेंट करोगे, तो ये वाला जो कॉम्पोनेंट है ये थीटा है, तो ये जो कॉम्पोनेंट है वो आ जाएगा डी साइन थीटा, और ये इधर आ जाएगा डी कॉस थीटा, ठीक है, डी कॉस थीटा। अभी मैं ऐसे रफली समझा रहा हूँ, तो इस तरह से डी साइन थीटा, फिर इसका डी साइन थीटा इधर आ जाएगा और इसका डी कॉस थीटा इधर आ जाएगा, तो जो नेट फील्ड बचेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी स्मॉल फील्ड डी कॉस थीटा, ये जो है वो नेट फील्ड, ये लॉजिक है। ये मैं आपको जल्दी जल्दी रफली समझा रहा हूँ कि छोटे से एलिमेंट का निकालेंगे। अब चलिए इसको एक्चुअल में करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये आप डायग्राम बेहतर तरीके से समझ सकते हो, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर ये जो रिंग है, इस रिंग को देखो आप, ठीक है, ये रिंग की क्या है, एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रिंग, ये रिंग की एक्सिस है। अगर ये रिंग की एक्सिस है तो यहाँ पर जो छोटा सा एलिमेंट है, दिस इज स्मॉल एलिमेंट, जिसमें चार्ज कितना आया होगा डी क्यू, टोटल चार्ज इस रिंग पे कितना है, टोटल चार्ज इस रिंग पे जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको मैं क्या किया हूँ, क्यू एज्यूम कर लिया हूँ, क्यू इज द टोटल चार्ज, ठीक है। तो जो छोटा चार्ज है डी क्यू, वो यहाँ पे कितना फील्ड बनाएगा, ऑब्वियसली रिंग ऐसे है तो फील्ड आउटवर्ड होगा, ठीक है, जो फील्ड है वो आउटवर्ड होगा, इधर जा रहा होगा, ये वाली जो फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पे जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट, ये इसके सामने, जस्ट इसके सामने, ठीक है, उसी तरह से सभी, तो यहाँ पे जो है वो जस्ट अपोजिट इधर बना रहा होगा, वो बनाएगा डी की, और ये, अब जब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का जब मैं कंपोनेंट करूँगा, तो कंपोनेंट करने के बाद डी साइन थीटा वाला इधर आएगा, और इसको जब मैं कंपोनेंट करूँगा वेक्टर के रूल से, तो डी साइन थीटा वाला इधर आएगा और डी कंपोनेंट डी कॉस थीटा इधर आएगा। ये जो कंपोनेंट, ये अब ख़त्म हो गया, ठीक है। थीटा क्या भैया, थीटा रिंग के एक्सिस से उस एलिमेंट का एंगल है, थीटा रिंग के एक्सिस से उस एलिमेंट का, ये जो रिंग के एक्सिस से उस एलिमेंट का एंगल है ये वाला थीटा, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये भी हो गया थीटा, अपोजिट एंगल अगर है थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। तो ये इसके कंपोनेंट डी कॉस थीटा इधर आया, डी साइन थीटा इधर आया, उसी तरह से ये एलिमेंट बनाया जो डी है, तो डी कॉस थीटा इधर आया, डी साइन थीटा इधर आया, कुल मिला के इस तरह से आप कोई भी कंपोनेंट ले लो, कोई भी यहाँ पे कंपोनेंट लोगे, कोई भी कंपोनेंट सामने ले लोगे, ठीक है, तो सबका डी साइन थीटा, डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो जो ये वाला कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना। ऐसे है हॉरिजेंटल प्लेन में, ऐसे देखो, ऐसे हॉरिजेंटल है, रिंग के एक्सिस चले जाओगे तो यहाँ हॉरिजेंटल प्लेन में जो भी कंपोनेंट बनेगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो एक्सिस के लॉन्ग जा रहा, एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, वो जुड़ जाएंगे। और इसको मैं विजुअलाइज कराता हूँ, अब ये जो नेट है, जो जो नेट फील्ड बचेगा वो देगा इसी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, ये लॉजिक हमारा रहेगा। ये कहाँ से आया, डिराइव करके, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँगा यही मुझे नेट फील्ड दे देगा। आप इसको बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, जैसे आप इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हो। इसमें आप देखो, ठीक है, इस इमेज के थ्रू दैट कैन बेटर अंडरस्टैंड, इसको मैं इमेज ये मैं बनाया हूँ आपके लिए बनाया हूँ, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो रिंग है, देख रहे हो आप, ये जो रिंग है हॉरिजेंटल प्लेन में रखा हुआ, रिंग हॉरिजेंटल है। अब हॉरिजेंटल है, यहाँ जो भी एलिमेंट लोगे हॉरिजेंटल है, जो भी एलिमेंट लोगे हर एक का इस तरह से एक सर्कुलर हॉरिजेंटल सर्कल में आएंगे हॉरिजेंटल वाले कंपोनेंट, ठीक है, हॉरिजेंटल वाले कंपोनेंट, और एक दूसरे को सारे कंपोनेंट
क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये जो वर्टिकल वाले हैं डी कॉस थीटा वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो ये डी कॉस थीटा उधर आ जाएगा और डी साइन थीटा वो एलिमेंट है जो इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इनका इंटीग्रेशन ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, जो वर्टिकल में ऊपर बच जाएंगे वहाँ, ठीक है, समझ रहे ना, रियल लाइफ में ला के समझना, ऐसे है, ठीक है, ऐसे सर्कल ऐसे है, ऐसे रखा हूँ, ऐसे जब ऐसे वाला जो कंपोनेंट जा रहा था उसके दो कंपोनेंट हो गए, जो कंपोनेंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक्सिस से थीटा डिग्री पर, समझ रहे ना, रिंग के उसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल, जो ऐसे है इंक्लाइंड है वर्टिकल हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल वाले सारे कैंसिल हो गए और वर्टिकल वाले सारे जुड़ गए। अगर मैं ऊपर से देखूंगा, अगर मैं टॉप व्यू में देखूंगा तो मुझे डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट ऐसे नजर आएंगे, डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट ऊपर से मैं आंखों से देखूंगा, ठीक है, ऊपर से मैं आंखों से देखूंगा, ठीक है, तो मुझे डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट ऐसे आएंगे, ये डी साइन थीटा वाला आया, ठीक है, और ये इसके जस्ट अपोजिट ये वाला आया डी साइन थीटा, ठीक है, अब ये डी साइन थीटा वाला आया और इसके जस्ट अपोजिट ये डी साइन थीटा वाला आया, तो ये एक दूसरे को क्या किए होंगे भाई, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए होंगे, ठीक है, तो जो बच गया वो जो वर्टिकल वाला बच गया वो मुझे कैसे दिखेगा, वो मुझे ऐसे दिखेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये है कौन सा, डी कॉस थीटा। तो ये नेट, इसी का समेशन हमें नेट फील्ड देगा। इसको अच्छे से आप विजुअलाइज कर सकते हो, थोड़ा सा एनिमेशन के हेल्प से देखते हैं, we also see with the help of the animation. तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हो, देखो ये बिल्कुल आपको विजुअलाइज हो रहा होगा, ठीक है, इसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, बेहतर तरीके से विजुअलाइजेशन, ठीक है, टॉप विजुअलाइजेशन, कि किस तरह से हर एक एलिमेंट, एक एलिमेंट इधर था उसके दो कंपोनेंट हो गए और एक वाले ये वाले क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और ये सारे कंपोनेंट जो भी इधर आ रहे हैं वो सारे जुड़ जाएंगे और वो बनाएंगे डी कॉस थीटा, इनका इंटीग्रेशन हमें देगा डी कॉस थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू देगा। ये आप बेहतर तरीके से इसमें विजुलाइज कर सकते हो, समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये जो इधर गया इसके दो कंपोनेंट, जो इधर गया इसके दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। चलिए तो चलो इसको एक काम करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो रिंग था, रिंग यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जो रिंग था ये एंगल क्या था, थीटा, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट था इसमें कितना चार्ज आया, डी क्यू, ये क्या है, पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट की तरह, तो अगर ये पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा तो पहले डी की वैल्यू लिख दीजिए, पॉइंट चार्ज का आर डिस्टेंस पे, अगर ये एक्स है और ये आर है, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कुछ कितनी हो जाएगी भाई, ये वाली डिस्टेंस वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, अब कैपिटल एक्स स्क्वायर अंडर रूट ये, अब जो पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, पढ़ के आए थे ना, पॉइंट चार्ज का फील्ड पढ़े थे ना, ई इज इक्वल टू क्या था, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर ऐसा, तो यहाँ पर जब मैं रखूँगा तो के और डी क्यू कितना हो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, समझ रहे ना, ये जो छोटा एलिमेंट है, ये छोटा एलिमेंट, इस छोटे एलिमेंट का यहाँ जो फील्ड है, ठीक है, दैट इज डी, उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ डी, ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के डी क्यू और आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अंडर रूट का
स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट का स्क्वायर, तो वही यहाँ पे कैलकुलेट किया। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये फाइनली मुझे मिल जाएगा। ये क्या है भैया, ये वो डी है, स्मॉल एलिमेंट है जो हर एक एलिमेंट रिंग पे इस पॉइंट पे बना रहा है। यहाँ पे जो है वो ये डी है, ठीक है, वो डी है जो यहाँ पर ये वाला जो एलिमेंट है डी क्यू, वो कितना बनाया है, वो डी है, तो ये डी। अब इसी, अब कॉस थीटा भी निकाल सकते हो, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वन इज द राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा है, ये एक्स है, ये आर है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, एक्स अपॉन कॉस थीटा, थीटा ये था ना, एक्स अपॉन बी बाई एच, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो हमें कॉस थीटा भी पता चल गया और डी भी पता चल गया, अब इसी को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, नोट कर लेना इसको, अब इसी को मुझे इंटीग्रेट कर देना है। ये क्या लॉजिक मतलब डेवलप हुआ है वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप वीडियो पॉज करके पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो कि यहाँ क्या लॉजिक रिजोल्यूशन में यूज हुआ है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो x कंपोनेंट जो आ जाएगा d, इसका जो x कंपोनेंट आएगा, देखो यहाँ पे मैं बेहतर तरीके से, ये जो d है उसके दो कंपोनेंट हो गए, डी ई एक्स कॉस थीटा और y वाला डी ई वाई साइन थीटा, और ये तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो इस कंपोनेंट को कैंसिल कर दिया, समझ रहे ना, यहाँ पे रिंग था ना ऐसे, यहाँ पे रिंग था ऐसे, ठीक है, तो ये, तो यहाँ पे ये जो रिंग था उस रिंग, ये वाली जो कंपोनेंट अब डी साइन थीटा और ये वाला डी साइन थीटा एक दूसरे को ख़त्म कर दिए, तो ये जो कॉस वाले थीटा हैं यही तो इंटीग्रेट होंगे, तो ये इंटीग्रेट होंगे, तो ये जो डी डी ई एक्स, ये वाले ये डी ई एक्स के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट, एक्स एक्स एक्सिस वाला जो कॉम्पोनेंट है वो ये बना, तो एक्स एक्सिस वाला जो कॉम्पोनेंट ये बना, अब इसी को वाई वाला यहाँ पे क्या है, वाई वाला ये वाला जो है डी साइन थीटा, ये वाले जो कॉम्पोनेंट है वो खत्म हो जाएंगे, इनका कोई रोल नहीं है, तो ये जो है अब इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो अल्टीमेटली देखो मैं इसको करता हूँ इंटीग्रेट, देखो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ से बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि साइन वाले कैंसिल हो गए और जो कॉस वाले हैं वो जुड़ रहे हैं, तो ये खत्म हो गए, तो यही तो बचे, ये भी खत्म हो गए क्योंकि वो रिजॉल्व हो गए, ठीक है। तो ये जो एरो दिखा रहा वही इनका डी कॉस थीटा, अब डी पता है, कॉस थीटा पता है, पहले निकाले थे और इसमें रख के इंटीग्रेट कर देंगे, हमें वैल्यू पता चला, दिस इज द फाइनल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जो फाइनली है इंटीग्रेशन वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा जी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रिंग की वजह से डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, डी पहले निकाले थे के डी क्यू और कॉस थीटा की वैल्यू हम पहले ही यहाँ से निकाले थे, डी कॉस थीटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग आर का स्क्वायर, तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ से डी ई, अब तुम्हें डी क्यू भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, डी क्यू भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डी क्यू क्या है, देखो समझो, डी क्यू कॉस थीटा निकाल लिए, डी निकाल लिए, कॉस थीटा निकाल लिए, ठीक है, डी क्यू निकालते हैं, डी क्यू, डी क्यू क्या है भैया, लीनियर स्मॉल चार्ज है, इस रिंग पे जो, इस रिंग पे जो चार्ज है, इस रिंग पे जो भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इस रिंग पे जो भी चार्ज इसके उसका छोटा सा पार्ट है, तो इसका अगर लेंथ dx है, ठीक है, लेंथ dx है, तो इसमें चार्ज डेंसिटी लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई dx, ये बात समझ में आया नहीं आया, लैम्डा क्या है भैया, लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, तो टोटल चार्ज q है और टोटल लेंथ कितना है 2π r, r रिंग की रेडियस, ठीक है, तो ये लैम्डा आ गया। अब जब हमें लैम्डा पता चल गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी पता चल गया, तो उस छोटे से लेंथ में हमें पर यूनिट लेंथ चार्ज पता चल गया, तो पर यूनिट लेंथ अगर चार्ज पता चल गया तो ये बात हमें पता चल गया कि उस छोटे से एलिमेंट में उस लेंथ में कितनी वैल्यू थी, dx थी, तो उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ये लैम्डा dq। अब जब हमें सब पता चल गया, लैम्डा dq की वैल्यू, यहाँ dq की वैल्यू जरूरत पड़ेगी ना भैया, तो dq कैलकुलेट हुआ, तो dq हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सब रख के लेंथ में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो लेंथ में इंटीग्रेशन हो रहा है, सब रख के कैलकुलेट कर दो, ठीक है, तो ये वैल्यू
ये फाइनली, ठीक है, और बहुत सारे स्टेप, उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आप, ये बेहतर ये फाइनल स्टेप यहाँ से रख दे, डी निकाले थे ठीक है, या ये कॉस थीटा निकाले थे ये, और डी की वैल्यू डाल दिए दिस वन, तो फाइनली ये इंटीग्रेट कर लिए। जब ये फाइनली इंटीग्रेट करिए तो ये टू पाई ने, ठीक है, टू पाई को ख़त्म कर दिया, बाकी सारे क्या थे, कॉन्स्टेंट थे, समझना, बाकी सारे क्या थे रिंग पे, कॉन्स्टेंट थे, जो के था, क्यू क्या था, टोटल चार्ज, एक्स क्या था, लीनियर डिस्टेंस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सारे कॉन्स्टेंट थे, तो इंटीग्रेशन से क्या हो गए, बाहर आ गए। अगर इंटीग्रेशन से बाहर आ गए तो जो ये जो लेंथ, लेंथ में इंटीग्रेशन हो रहा है डी एक्स, ठीक है, तो लेंथ में अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो लेंथ की वैल्यू एल इज इक्वल टू जीरो टू एल इज इक्वल टू टू पाई आर, पूरा लेंथ कितना रिंग का, ठीक है, लिमिट जो स्टार्ट होगी लिमिट, वो लेंथ एल इज इक्वल टू जीरो टू एल इज इक्वल टू टू पाई होगी, पूरा लेंथ रिंग का ये है, तो पूरा अगर लेंथ रिंग का ये है तो ये हमने इंटीग्रेट कर दिया लेंथ में, और ये इंटीग्रेट करने के बाद टू पाई आ गया, लिमिट डाल दिए, और अल्टीमेटली दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ ओवरलैपिंग हो गई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू के क्यू एक्स, के क्यू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये जो फार्मूला है वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें याद रखना है। ये क्या है, अगर इलेक्ट्रिक रिंग है जो पॉजिटिवली चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज था, तो उस पॉजिटिवली चार्ज से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है, ठीक है। डायरेक्शन किधर होगी भाई, डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, क्योंकि प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन होगी एक्स, ये वाली डिस्टेंस एक्स है, ठीक है, और ये रेडियस स्मॉल आ रहा है, इस पे चार्ज क्यू है, ठीक है ना। तो ये हमें फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है, अगर मान लो ये रिंग निगेटिवली चार्ज होता, तो रिंग अगर निगेटिवली चार्ज होता तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे, वो इधर की डायरेक्शन में आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इनवर्ड होगा, ठीक है, डायरेक्शन निगेटिवली चार्ज है तो डायरेक्शन इनवर्ड होगा और मैग्नीट्यूड वही होगा जो पहले था, ठीक है ना। तो ये रिंग का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, बहुत आसान है, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर लेना है। अल्टीमेटली इसको तुम अगर लेंथ में इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हो, समझो इसको मैं लेंथ में अगर इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हो, इसको सिर्फ चार्ज में इंटीग्रेट करना चाहते हो, इसको मैं एक और तरीका बताता हूँ, यहाँ पर नोट कर लो। अगर लेंथ में इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से देखो, इंटीग्रेशन इन चार्ज, चार्ज को भी इंटीग्रेट कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको नोट कर लो। अगर ये रिंग है जिसपे कुछ क्या है, प्लस प्लस चार्ज है मान लो, ठीक है, प्लस प्लस चार्ज है, ये वाली चीज़ अज्यूम कर लो, प्लस प्लस चार्ज है। अब यहाँ से इस रिंग के एक्सिस पे चले जाओ और ये जो है वो स्मॉल आर है, और यहाँ पॉइंट पी है जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल चार्ज है डी क्यू, ठीक है, स्मॉल चार्ज है डी क्यू, जो यहाँ पे फील्ड बना रहा होगा, इधर बना रहा होगा डी ई, है ना, है क्लियर। और ये एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना होगा थीटा, तो डी ई के दो कॉम्पोनेंट हो गए, क्या हो गए, डी कॉस थीटा, और वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा हो जाएगा, डी साइन थीटा, ठीक है ना। तो डी साइन थीटा मैं इंटीग्रेशन चार्ज में करना चाहता हूँ, उसी तरह से यहाँ एक डी क्यू एलिमेंट है, ठीक है, तो डी क्यू एलिमेंट है, तो ये फील्ड इधर बना रहा होगा डी, और डी का एक कॉम्पोनेंट अगर ये थीटा है सिमेट्रिकली, तो ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो ये आ जाएगा डी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, डायरेक्ट डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही। डी की वैल्यू क्या है, के डी क्यू ओवर आर, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी, ये डिस्टेंस, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो यही बचेगा, कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो, कॉस थीटा बी बाई एच, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब ये इंटीग्रल है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन है, तो जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो। कांस्टेंट क्या है, के एक्स, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किसका बचा, डी क्यू। डी क्यू क्या है, इस रिंग पे छोटा सा चार्ज एलिमेंट है, तो अगर टोटल चार्ज क्यू है, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चार्ज क्यू ही मिलेगा, तो ये क्या मिलेगा, क्यू एक्स। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, छोटे छोटे चार्जेज को जोड़ोगे, डी क्यू को चार्ज जोड़ोगे तो पूरा चार्ज रिंग पे मिल जाएगा ना क्यू, तो क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ज़्यादा आसानी से, इसमें क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो, इस सेकंड वाले मेथड में मैं जो इंटीग्रेशन किया हूँ वो चार्ज को जोड़ा हूँ, जो पहले वाला इंटीग्रेशन किए थे वो लेंथ को जोड़े थे, तो इन दोनों से ये चार्ज वाला ज़्यादा आसान है, क्योंकि एक स्टेप इसमें कम हो गया, ठीक है। डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करो, रिजॉल्व कर लो, और डी क्यू को जोड़ोगे तो पावर एक के क्यू, बाकी सारे कॉन्स्टेंट थे बाहर आ गए, और ये 3/2 बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा आसान है, तो ये रिंग का डेरिवेशन है। तो ये फार्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना प्यारे बच्चों, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो, तो अल्टीमेटली अब पॉइंट की बात करते हैं, ये सारे हम रिंग की फील्ड की बात के लिए, अब एक एक पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ में हम रिंग की फील्ड की एक एक पॉइंट की बात करेंगे। चलो, तो रिंग की फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। अब चलो, रिंग के सेंटर पर, ये वाला फार्मूला था के क्यू ओवर, ये वाला फार्मूला था ना, इसमें एक्स रिंग का सेंटर, सेंटर क्या होता है रिंग, ये एक्स था ना भैया, ये एक्स था, तो अगर सेंटर पे, यहां से सेंटर पे आ जाओगे तो एक्स की वैल्यू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। मतलब अगर रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इस सेंटर पे, ओ पॉइंट पे कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। चलो, ये वाली चीज हमें ग्राफ में यूज होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। पूरा रिंग होना चाहिए, पूरा रिंग, ठीक है, आधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, अगर मैं रिंग को बहुत ज़्यादा दूर से देखता हूँ, सेकंड पॉइंट नोट करो इसमें, कि इफ़, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरी ला, अगर मैं रिंग को बहुत दूर से देखूँ, तो कॉमन सेंस लगाओ, रिंग को बहुत दूर से देखते हो तो रिंग कैसा दिखाई देगा, पॉइंट चार्ज दिखाई देगा भाई। बहुत ज़्यादा दूर से मैं देखूँगा तो रिंग मुझे थोड़ी दिखेगा, पॉइंट दिखेगा। अब ये छोटा सा रिंग है, ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस से देखो तो हो सकता है रियल लाइफ में तो विजिबल ही नहीं होगा, पर बहुत छोटा पॉइंट दिखाई देगा, ठीक है। चलो, तो अल्टीमेटली अगर मैं बहुत दूर से देखूं तो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r, तो स्मॉल r को नेगलेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। अब अपना फार्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई, फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था कि kq over x दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर की पावर 3/2 था, ठीक है ना। अब देखो, किसको इग्नोर करोगे, नेगलेक्ट कर दो, छोटी चीज को नेगलेक्ट कर दो, r को नेगलेक्ट कर दोगे, तो r यहाँ पर है, तो r को नेगलेक्ट करने के बाद ये जो फार्मूला है वो रिड्यूस होके बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू ओवर x, r को इग्नोर करिए तो x की पावर 3/2, ठीक है ना, तो x की पावर 3/2, तो x स्क्वायर था ना, तो 2 ने 2 को कट गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू ओवर, एक एक्स ने एक्स को काट दिया तो एक्स स्क्वायर। ये मतलब क्या है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, देख रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा दूर हूँ। देखो, ये रिंग का सेंटर है, ये रिंग का सेंटर है, यहाँ से मैं चला आया इस पॉइंट पर, पॉइंट पी यहाँ है जो कि काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर जो फील्ड आएगा इस पर टोटल जो चार्ज है क्यू, वो रिंग को पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा, जो टोटल चार्ज है क्यू, यहाँ पर जो फील्ड आएगा वो आ जाएगा के क्यू ओवर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, के क्यू ओवर एक्स का स्क्वायर, दिस विल बी द फील्ड एट दिस सेंटर, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, एक्स इज मतलब पॉइंट की तरह चार्ज बिहेव करेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, नोट कर लेना अच्छे से वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो, इसी चीज़ को यहाँ देखो, ये फील्ड का फार्मूला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर है तो यहाँ इग्नोर कर दिए, नेगलेक्ट करने के बाद, ये हमें नेगलेक्ट करने के बाद जो चीज़ हमें मिलेगा, अल्टीमेटली नेगलेक्ट करने के बाद, ये दिस इज द फील्ड एट दैट पॉइंट बिहेवियर ऑफ द रिंग, द रिंग विल बिहेव लाइक ए
पॉइंट चार्ज, इसको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो और पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ज्यादा और भी ज्यादा दूर चले जाओ। ठीक है भाई, कितनी दूर चले जाओगे? हाँ, इनफाइनाइट। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर चले जाओ, आर टेंड टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टेंड करने लगो। ठीक है, अगर आर ये रिंग है, ठीक है, रिंग से मैं बहुत ज्यादा दूर चला गया इधर, ठीक है, प्लस प्लस इन्फिनिटी को चला गया, आर टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आर अगर इन्फिनिटी को टेंड करता है तो फील्ड जो है वो जीरो टेंड करेगा, अप्रॉक्सीमेटली जीरो, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, जीरो होगा। ठीक है, एट इन्फिनिटी पे एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फील्ड इज मैक्सिमम, ये इंपॉर्टेंट है समझने वाले। हमें पता चल गया, तीन पॉइंट पे निकाल लिए, सेंटर पे निकाल लिए, बहुत ज्यादा दूर निकाल लिए, इन्फिनिटी पे निकाल लिए। ठीक है, अब एक पॉइंट बचा, मैं देखना चाहता हूं जब मैं यहां से जाता हूं, आगे बढ़ूंगा, तो मुझे कहां पर मैक्सिमम फील्ड मिलेगा, मैक्सिमम फील्ड है ना, मैक्सिमम फील्ड कहां मिलेगा वो मुझे देखने की जरूरत पड़ रही है। चलो, तो मैक्सिमम फील्ड कैसे निकालेंगे, किसी चीज का मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब इसमें लगेगा कॉन्सेप्ट ऑफ द कैलकुलस। ठीक है भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ई है, तो ई विल बी मैक्सिमम। ई क्या होगा? मैक्सिमम होगा अगर इसका डी ओवर डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए तो यही होता ना। तो मिनिमम तो जीरो मिल गया सेंटर पे, इन्फिनिटी पे भी जीरो मिल गया, मतलब दो जीरो के बीच भाई जीरो से चले थे और अल्टीमेटली फिर जीरो हो गया, तो क्या हुआ होगा बीच में? मैक्सिमम हुआ होगा ना, तभी तो जीरो हुआ होगा, या तो हमेशा जीरो जीरो ही रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल गया, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए इसको जो वेरिएबल है एक्स, दो वेरिएबल है कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे और उस डिफरेंशिएशन के बाद हमें पता चल जाएगा एक्स का वो कौन सा पॉइंट है जिस पे फील्ड मैक्सिमम हो रहा है। तो चलो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको देखो ऐसे डिवीजन रूल से डिफरेंशिएट करोगे, कर सकते हो, पर थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको मैं के को खोल दिया 1/4πε0, और ये ऐसे ही इसको ऊपर ले जाओ, प्रोडक्ट रूल लगाओ। ठीक है, ये कोई भी चीज़ ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन शुड बी इक्वल टू जीरो। अब इसको प्रोडक्ट रूल में लगाना चाहता हूँ, तो जो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए ये जो इलेक्ट्रिक, ये वाला जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था इसको मैं ऊपर ले गया, तो -3/2 बच होगा। ठीक है, -3/2, बाकी सारे कॉन्स्टेंट के क्यू कॉन्स्टेंट थे तो वो जीरो हो गए। ठीक है, क्या बचेगा? एक्स, और ये ऊपर चला गया तो एक्स और ए, ठीक है, इतना बचेगा। यहाँ पर एक चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, ये वाली चीज़, ठीक है, ये दिस वन, ये बचेगा। ठीक है, ये ऊपर चला गया तो एक्स स्क्वायर आर की पावर -3/2 हो गया। अब इसको प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर दो, पता है ना प्रोडक्ट रूल, dy dx u v, ठीक है ना, dy dx u v, प्रोडक्ट रूल होता है। पहले एक को डिफरेंशिएट, पहले एक को ऐसे रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो du/dx, प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो इसको रखो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट रूल, एक को ऐसे ही कॉपी कर दो और दूसरे के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस साइन लगा दो, जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका उसको यहाँ रखो, और तो इस पे प्रोडक्ट रूल मैं लगाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, इसको नोट कर लेना अच्छे से। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, उसको इस पे मैं अगर लगाता हूँ, चलो, तो मैं अभी क्या किया हूँ, मैं क्या किया हूँ, एक्स को ऐसे ही रखा हूँ, एक्स को कॉपी कर दिया हूँ और ये इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पावर रूल से, इसको डिफरेंस, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एक्स की पावर एन -3/2 और -3/2 -1 जुड़ा तो ये वाली चीज बच गई। प्लस फार्मूले से इसका डिफरेंशिएशन हो चुका, ठीक है, साथ साथ इसमें चेन रूल भी लगेगा, समझ रहे ना, इसका डिफरेंशिएशन देखो, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -3/2 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा -3/2
माइनस थ्री बाई टू और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू की पावर माइनस वन, अंदर में भी फंक्शन है ये, तो ये भी डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये डिफरेंशिएट होगा तो 2x बनेगा और ये बनेगा आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये 2 ने 2 को ख़त्म कर देगा और ये माइनस थ्री, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन हो चुका तो इसको जस्ट कॉपी कर दिया, प्लस साइन फार्मूले से इसको कॉपी कर दिया और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। अब अल्टीमेटली क्या करो, इसमें जो टर्म कॉमन है वो कॉमन ले लो, x की पावर 3 बाई टू कॉमन है, यहाँ भी x की पावर माइनस 3 बाई टू कॉमन है, तो कॉमन मैंने साइड में रख लिया, कॉमन रख लिया, और उसके बाद में क्या किया, जो इधर बचा था 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया और माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, एक x इधर से एक x इधर से मल्टीप्लाई हुआ था ना, ठीक है, एक x इधर से ये मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, ध्यान देना ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3x स्क्वायर, और ये अल्टीमेटली यहाँ बच गया, यहाँ बच गया, ठीक है, माइनस 3 बाई टू जो माइनस 1 बच गया, प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, अल्टीमेटली ये मिला मुझे, तो सॉल्व करने के बाद, ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो या तो इस ये एक्सप्रेशन जीरो के बराबर होगा या तो ये एक्सप्रेशन जीरो के बराबर होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, तो ये जब है तो वो कोई सलूशन नहीं देगा, तो इसको जीरो से इक्वेट कर दिए, ठीक है, तो इसको मैं जीरो से इक्वेट कर दिया, तो जीरो से इक्वेट करने के बाद अब मुझे मिला एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फील्ड मैक्सिमम होगी, ठीक है ना, समझ रहे ना, तो जब मैं इसको सॉल्व किया तो ये अल्टीमेटली मुझे एक्स की वो वैल्यू मिली जिसके लिए फील्ड मैक्सिमम होगा, तो अल्टीमेटली ये जो मिलने वाला है माइनस 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 ये 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू माइनस माइनस प्लस माइनस आर बाई रूट 2, ठीक है, ये वो वैल्यू है x की जिसके लिए फील्ड मैक्सिमम है, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना तुम, ठीक है, x की वैल्यू वो वैल्यू है, अल्टीमेटली जब मैं इसको सॉल्व किया x स्क्वायर, तो ये x की वैल्यू है जिसके लिए फील्ड मैक्सिमम है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये रिंग है, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, जो रिंग है, समझो इसको, ये जो चीज़ है रिंग है, ये क्या थी अपनी रिंग, तो ये रिंग थी। अब रिंग के सेंटर से, रिंग का जो सेंटर हो है, इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाओगे, लिटिल बिट यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, और ये इधर दो मतलब आ रहा है, एक प्लस और एक माइनस, तो वो x इज इक्वल टू प्लस आर बाई रूट टू पे जो भी है वहाँ पर फील्ड, इस पॉइंट पर जो फील्ड है वो मैक्सिमम हुई होगी, ठीक है, मतलब जीरो से चले थे, सेंटर से जीरो से चले थे, जीरो से चलेंगे, बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, उसके बाद घटेगा, घटते घटते इन्फिनिटी को जीरो होगा, ऐसा कुछ समझ में आ रहा। उसी तरह से इधर आओगे, इस साइड आओगे तो आर के जैसे ही एक्स की वैल्यू माइनस आर रूट, जैसे ही एक्स की वैल्यू माइनस आर बाई रूट टू मिलेगी, वैसे ही इस पॉइंट पर फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग बात। अब मुझे ये जानना है, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड, मुझे ये जानना है कि वो जो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर वाई रूट टू पे फील्ड मैक्सिमम हो रही है, उस मैक्सिमम फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मैक्सिमम फील्ड, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो था वो जनरल एक्सप्रेशन था, r डिस्टेंस पे क्या था, फील्ड था, अगर इसमें मैं पुट कर दूँ r इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट टू, तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, कि वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम फील्ड कितनी होगी। तो अगर मैं एक साइड ही देखना चाहता हूँ तो x की वैल्यू प्लस r बाई रूट टू पुटअप कर देता हूँ, अगर मैं दूसरी साइड देखना चाहता हूँ तो निगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, चलो मैंने इसको रख दिया, x की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, कितना, r बाई रूट टू। अब उसके बाद ये वाली जो फील्ड है वो नॉर्मल फील्ड नहीं रह गई, दिस फील्ड इज बिकेम मैक्सिमम। तो इसको आप सॉल्व करो, मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर सकते हो,
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। तो जब सॉल्व करोगे तो ये वाली चीज़ हमें मिल जाती है। ये हमें याद रखना है कि जो मैक्सिमम फील्ड होती है, जो मैक्सिमम फील्ड होती है रिंग की, वो जो होती है वो q ओवर इतनी होती है, 6√3π ε0r² देख रहे ना, ये इसी के फॉर्म में है, उसी के फॉर्म में है, KQ के फॉर्म में। ये सारे कांस्टेंट आ गए, ये सारे कांस्टेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट की K की वैल्यू q/r² उसी फॉर्म में रहेगा फील्ड। वे यार यहाँ पे K आ जाएगा, किया जाएगा 1/6√3ε0, मतलब एक कांस्टेंट, मतलब KQ/r² के फॉर्म में ही है। चलो तो इसको एक अच्छा सा ग्राफ ड्रा करते हैं, इसको ग्राफ देखते हैं हम लोग, इसकी ग्राफ, ठीक है। अब ये है रिंग का सेंटर, रिंग के सेंटर से समझना इसको, रिंग के सेंटर से मैं जाऊंगा, ये रिंग का सेंटर है, दिस इज द ग्राफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके जो बुक में ग्राफ है वो थोड़ा सिंपल है, उसको भी मैं पढ़ा देता हूँ। ये रिंग का सेंटर है, अगर मैं इधर जाता हूँ और इस पे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। और आर भी क्या है, पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, इधर क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। अब मैं इधर जाता हूँ, इधर जाऊँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, निगेटिव है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन इधर है, और आर भी क्या है, निगेटिव है। तो इसको लेके हमने ग्राफ बनाया, कहाँ से चलना हमको, सेंटर से चलना है, सेंटर से चलना है, इन्फिनिटी को जाना है, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना, और इधर हमें जाना है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को हमें जाना है। चलो तो यहाँ सेंटर से मैं चलूँगा, तो जैसे ही मैं सेंटर से चलूँगा तो ग्राफ किस कोऑर्डिनेट में आएगा, ग्राफ इसमें आएगा, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ग्राफ इसमें आएगा। और जैसे ही मैं सेंटर से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाऊँगा जो कि r/√2 पे है, फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है ना। ये तो मैं ऐसे कलर दिखाने के लिए आपको सुनूंगा, ये वाली जो रेड है वो ग्राफ है। तो जैसे ही मैं आया बहुत कम डिस्टेंस r/√2 पे, फील्ड मैक्सिमम हो गया। उसके बाद मैं कुछ और डिस्टेंस पे गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, एक जनरल पॉइंट है, एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स डिस्टेंस पे आए। कुछ और ज़्यादा दूर आए, ये दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो रिंग कैसा बिहेव करने लगा, पॉइंट की तरह बिहेव करने लगा। और ज़्यादा दूर चले गए, एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी पे फील्ड जीरो। दूसरी इस साइड का जो ग्राफ है वो निगेटिव, इसमें कोऑर्डिनेट में आएगा माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो इस कोऑर्डिनेट में आएगा ऐसे कुछ, ठीक है। अल्टीमेटली ये फिर मैक्सिमम होगा, ठीक है, और अल्टीमेटली ये वाली जो चीज़ है वो माइनस फील्ड है। अल्टीमेटली इस तरह से हम लोग ड्रा करते हैं। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, मैं सेंटर से चलूंगा, देखो सेंटर से चलूंगा इन्फिनिटी को जाऊंगा, तो E पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव का ग्राफ ऐसा आएगा। फिर मैं इससे जाऊंगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स जाऊंगा तो मुझे ग्राफ ऐसा आएगा। देखो जीरो से चले थे, ठीक है, जीरो से चले थे और ये मैक्सिमम होगा। ये कौन सा पॉइंट है जहां मैक्सिमम हो रहा है, याद है ना, दिस पॉइंट इज इक्वल टू r/√2, एक्स इज इक्वल टू r/√2, ठीक है। उसी तरह से ये बहुत ज़्यादा दूर इन्फिनिटी, तो इससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बात जो है, चलो तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके जो आपका जो बुक है, जो बुक है उसमें ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, एक बात बताऊं, जो बुक है, ठीक है, जो बुक है उसमें ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, वो ऐसे बनाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस एक्स जो भी ले लिया वो सिर्फ ऐसे ही बना के छोड़ दिया होगा, ठीक है। अगर ऐसे बना के छोड़ दिया ये भी एक सही है, लेकिन इसमें साइन कंसीडर नहीं किया है, प्लस माइनस साइन कंसीडर नहीं किया गया है। ये रिंग, मतलब ये भी एक करेक्ट है बट मैग्नीट्यूड में सही है, ठीक है। इसमें मैंने जो बनाया हूँ वो साइन कंसीडर किया हूँ। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया इसको, तो इस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दो तरीके से बताया, एक लेंथ
लेंथ में इंटीग्रेशन करके, एक चार्ज में इंटीग्रेशन करके। चार्ज वाला ज़्यादा आसान है, जो आपको अच्छा लगे उसको कॉपी कर लेना। बेहतर तरीके से मैं पूरा रिंग पढ़ाया हूँ A to Z। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो।